बिहार में बढ़ते अपराध एवं चरमराती कानून व्यवस्था के खिलाफ में आरजेडी के तरफ से राजभवन मार्च का आह्वान किया गया है। मार्च आरजेडी दफ्तर से शुरू हुआ है, लेकिन राजभवन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आरजेडी के तमाम प्रमुख नेता यहां पर मौजूद हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है, वह मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में है, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेता, भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आयकर गोलंबर पर ही बैरिगेटिंग करके इन लोगों को रोक दिया गया है। भाई बीरेंद्र से हम बात करेंगे। सरकार असफल है और सरकार जब असफल होती है तो कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम लोग का करना काम है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और महामहिम राज्यपाल को अपना मेमोरेंडम देने का काम करेंगे कि बिहार में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, अफसर हो, किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, हर व्यक्ति अपने आप, चाहे व्यापारी हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए गुहार लगाने जा रहे हैं कि सरकार असफल रही है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। नीतीश से गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, ये नीतीश कुमार जी से, एनडीए से, और जिस सरकार में अपराधी को मंत्री बनाता हो और अपराधियों को मदद करने वाला मंत्रिमंडल में शामिल हो, वो सरकार अपराधी पर कैसे अंकुश लगा सकता है। सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है, रोका गया। हम लोग चाहेंगे कि जो नहीं रोका रहेगा, मैं यही रहूंगा, अपनी बात को आपके माध्यम से जनता तक बताने का काम। तो सत्ता पक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है। पटना साहिब में एक महीना में 2 बीजेपी नेता की हत्या हो, हर व्यक्ति, मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए सरकार फेलियोर है, अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए महामहिम से मांग करेंगे कि सरकार को बर्खास्त करे और अपराधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया। केजरीवाल बोले हैं 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद, इस पर अब बयान सुना नहीं है, सुनेंगे तो देंगे। आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता पटना की सड़कों पे हैं, राजभवन मार्च का आह्वान किया गया है, लेकिन राजभवन जाने की अनुमति नहीं दी गई है, यहीं पे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। दरअसल एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही है, सत्ता पक्ष के भी नेता सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश से गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, वहीं लगातार महागठबंधन के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आरजेडी का जो मार्च है उसकी तस्वीरें कैमरा पर्सन विशाल आपको इनकम टैक्स गोलंबर पर से दिखा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि अगर हम लोग को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, यहीं पे धरना देंगे। सो हम लोग राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को राजभवन जाने से रोका जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आरजेडी के नेता। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।